हेलो दोस्तों हम लोग जैकोबियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ए के टी यू में पूछे गए हैं ए के टी यू और अन्य यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन है जेकोबियन का इफ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस वाई एक्स माइनस बी होल क्यूब प्लस एक्स माइनस सी होल क्यूब इक्वल टू जीरो फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ए के टी में ये क्वेश्चन तीन बार पूछा गया है दो हज़ार बाईस में पेपर कोड ये दो हज़ार अट्ठारह में पेपर कोड ये है और दो हज़ार दस में ये इस पेपर कोड में पूछा गया है ठीक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x- माइनस ए होल क्यूब प्लस एक्स माइनस बी होल क्यूब प्लस एक्स माइनस सी होल क्यूब इक्वल टू जीरो दे रखे हैं इक्वेशन हम a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर लिया क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ठीक है इसी तरीके से x माइनस बी ओपन कर लिया और x माइनस सी ओपन कर लिया उसके बाद x क्यूब के टर्म सारे कलेक्ट कर लो x क्यूब के तीन टर्म हो गए एक दो तीन तीन टर्म एक्स क्यूब के फिर एक्स स्क्वायर के टर्म कलेक्ट कर लो ये आ जाएगा कोफ़िशियट एक्स स्क्वायर में देखिए एक्स स्क्वायर और थ्री कामन हो गया तो यहाँ से ए और यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से सी आ जाएगा इसी तरीके एक्स के कोफिशेंट कलेक्ट कर लो तो थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें एक्स ना हो ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस इक्वल टू जीरो ठीक है ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है किसमें एक्स में दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर जीरो ये टर्म्स दे रखे हैं तो अगर इसके रूट अल्फ यू वी डब्ल्यू हैं ठीक है आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन क्या फार्मूला होता है यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा कैसे देखिए क्यूबिक रूट अगर ये क्यूबी की क्वेश्चन दिया है और इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा है अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा है तो सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशियन माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशियंट सो माइनस ए वन अपान ए नाट होता है फिर दो दो रूट का मल्टीप्लीकेशन सम तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी वैल्यू होती है ए टू यानी एक्स का कोफिशियंट अपान एक्स क्यूब का कोफिशियंट अपान में सब में एक्स क्यूब का कोफिशियंट ही आएगा तो ये प्लस के साथ होता है ए टू अपन ए नाट और अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट ये होता है ए माइनस ए थ्री अपान ए नाट ये फार्मूला है तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखे हैं और इसके रूट अल्फा बीटा गामा के बजाय यू वी डब्ल्यू रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ए वन अपान ए नाट ए वन की वैल्यू ये है माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपान में जब थ्री करोगे तो ये थ्री थ्री कैंसिल कितना बचेगा ए प्लस बी प्लस C. इसी तरीके जाएगी ए नाट तो इसमें भी थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर प्लस सी स्क्तर आएगा और तीनों का प्रोडक्ट यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपान अपान थ्री ठीक है ये हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए U की वैल्यू ए बी सी के टर्म्स में नहीं है देखिए जो आपको निकालना है क्वेश्चन में तो ये दिया है जे ऑफ यू वी डब्ल्यू विध रिस्पेक्ट टू ए बी सी इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी कॉन्सेंट नहीं है ए बी सी एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहे हैं ठीक है ए बी सी एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहे हैं ठीक है थीके? तो यानी हमें चाहिए यू की वैल्यू ए बी सी के टर्म्स में वी की वैल्यू ए बी सी के टर्म्स में डब्ल्यू की वैल्यू ए बी सी के टर्म्स में अगर होती तो हम डायरेक्ट जगो भी निकाल लेते वाला लगाते हैं और लेफ्ट साइड को एफ वन मान लो तो एफ वन इक्वल टू यू प्लस वी प्लस ए माइनस बी माइनस सी ये एफ टू का मन हो जाएगा एफ टू कंसिडर कर लिया यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसको पहले क्रास प्रोडक्ट कर लीजिए तो थ्री वी डब्ल्यू इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया तो इसका एफ थ्री मान लीजिए एफ थ्री इक्वल टू थ्री यू वी डब्ल्यू माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब डायरेक्ट भी कैसे मान सकते हैं एफ थ्री इक्वल टू यू वी डब्ल्यू माइनस ए क्यूब अपन थ्री प्लस बी क्यूब अपान थ्री प्लस सी क्यूब अपान थ्री है ना तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो डायरेक्ट भी मान सकते हैं और थ्री से इधर मल्टीप्लाई करके भी मान सकते हैं रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद कंसिडर किया है एफ थ्री तो एफ थ्री इक्वल टू थ्री यू वी डब्ल्यू माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ठीक अब जेकोबियन जकोबियन ऑफ इसमें क्या होगा कि एक बार आपको ए बी सी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा जेकोविन एक बार यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में और फिर फार्मूला लगाएंगे ठीक है तो क्या होगा इम्प्लीसिड फंक्शन वाला फार्मूला लगा लेंगे तो जेकोबिन ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी क्या फार्मूला होगा पहली रो में डेल एफ वन अपांडल ए डेल एफ वन अपान डेल बी डेल एफ वन अपान डेल सी दूसरी रो में डेल एफ टू अपान डेल ए डेल एफ टू अपांडेल बी डेल एफ टू अपान डेल सी दो रो कम्प्लीट हो गई तीसरी रो में इसके लिए होगा तो डेल एफ थ्री अपांडेल ए डेल एफ थ्री अपान डेल बी डेल एफ थ्री अपान डेल सी पहली रो इसके लिए बनती है दूसरी रो दू, सेकंड एलिमेंट के लिए बनती है तीसरी रो थर्ड एलिमेंट के लिए बनती है ठीक है तो ये 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 जैकोबियन की वैल्यू इस डिटर्मेंट को ही हम लोग जैकोबियन कहते हैं तो फार्मूला f1 f2 f3 आपके सामने है f1 का a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो अब आपका a के अलावा बाकी सब वेरिएबल कॉन्सेंट्रेट होगा क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने सभी को मान लिया है सिक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो जब आप ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी को एज ए कॉन्सेंट्रेट

इससे माइनस वन कामन ले लो इससे माइनस टू और इससे माइनस थ्री तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कामन ये सारे पॉजिटिव बन गए वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये डिटर्मेंट और इस डिटर्मेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू है हम लोग चाहे तो ओपन कर लें और चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होती है इसकी वैल्यू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए साइक्लिक प्रोसेस में पूरा क्रम से लिखना होगा तो ये तो आपका हो गया माइनस सिक्स और इस डिटर्मेंट की वैल्यू हो गई ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए है ना ये स्टैंडर्ड है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो और इसको चाहे पहले इन दोनों को जीरो बना के उसको सिंप्लीफाई करके हल करोगे तो यही आएगा ठीक है अब जैकोबियन ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकाल लो तो क्या होगा एफ वन के लिए पहली रो कंप्लीट हो जाएगी एफ टू के लिए दूसरी रो और एफ थ्री के लिए तीसरी रो ठीक है जैकोबियन तो लिखना आप सीख गए हैं अब वैल्यू रख लीजिए ठीक है तो u प्लस वी प्लस डब्लू था तो f1 का मान, तो फर्स्ट रो हो गई वन 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 सेकेंड रो v प्लस डब्लू यू प्लस डब्ल्यू और w प्लस यू कैसे f1 का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये आएगा f2 का v के रिस्पेक्ट में ये आएगा और सॉरी f1 का और आ, f2 का सॉरी f2 का u के रिस्पेक्ट में ये आ गया f2 का v के रिस्पेक्ट में आ जाएगा f2 का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आ जाएगा और तीसरा एफ थ्री का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ थ्री का वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ थ्री का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं डिटर्मेंट में प्रयास करते हैं कि दो कोई दो रो कोई दो एलिमेंट जीरो बन जाए एक ही रो के या एक ही कालम के तो इन दो को जीरो बना सकते हैं इससे इसको माइनस कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा इससे इसको माइनस कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमने सी टू इज़ रिप्लेस्ड बाई सी टू माइनस सी वन कर दिया और सी थ्री की जगह सी थ्री माइनस सी वन कर दिया तो ये दोनों हमारे जीरो बन गए तो C1 में कोई चेंज नहीं इससे इसको घटाओगे W कैंसिल हो जाएगा तो U- माइनस वी आ जाएगा इससे इसको घटा दोगे तो V कैंसिल U- माइनस डब्लू आ गया ठीक है जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री डब्लू कामन यू माइनस वी थ्री डब्ल्यू कामन यू माइनस वी इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री वी कामन U माइनस डब्लू यू माइनस डब्लू ठीक है अब देख रहे हैं कि थर्ड रो में थ्री कॉमन हो गया सेकंड कॉलम में U माइनस वी और u- माइनस डब्लू ये कामन ले लिया तो हमारा ये बच गया वन v+ प्लस डब्लू और v वी डब्लू बचा ये हो गया जीरो वन थ्री डब्लू जीरो वन डब्लू क्योंकि थ्री तो कामन ले चुके हैं जीरो वन डब्लू इसमें भी जीरो वन और v जीरो वन वी अब आर वन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंसन कर लो इसका तो ये इतना तो रहेगा ही दोनों टर्म वन इन टू ये कैंसिल ये कैंसिल वी माइनस डब्लू हो गया वी माइनस डब्लू इसको क्रम से लिख लीजिए तो माइनस थ्री इसको u माइनस वी यू माइनस वी तो ठीक है v माइनस डब्लू ये भी है और इसको w माइनस यू कर लो तो एक माइनस ले लीजिए तो माइनस बाहर आ गया तो ये क्रम से हो गया w माइनस यू ठीक है अब इम्प्लिसिट फंक्शन का फार्मूला क्या होता है कि जेकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन एन मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस यहां पर तीन इक्वेशंस तीन कंडीशंस दी थी तो एन की वैल्यू थ्री हो गई जिस इक्वल टू जेकोबियन ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी यहाँ जो होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा उसके बाद फिर अपान जेकोबियन ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू ये यू वी डब्ल्यू है ना इसको अगर ऊपर ले जाकर क्रॉस प्रोडक्ट करें ये कैंसिल करें तो एफ वन एफ टू एफ थ्री कैंसिल हो जाएगा फाइनली ये हो जाएगा लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है यहाँ पे ठीक है ना तो ये इस जैकोबियन की वैल्यू इम्प्लीसिट वाले फार्मू ये इम्प्लीसिट का फार्मूला है अगर फंक्शन इम्प्लीसिटली रिलेटेड है उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो जैकोबियन दो अलग अलग निकालते हैं इस एफ ओन एफ टू एफ थ्री मान के पहले ए बी सी के रिस्पेक्ट में कर, निकाल फिर एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ए बी सी के रिस्पेक्ट में एक बार जैकोबियन निकालना होगा एक बार यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना होगा जैकोबियन तो दोनों जैकोबियन की वैल्यू निकाल चुके हैं ये और ये रख लीजिए यहाँ पर तो दिस इक्वल टू माइनस माइनस वन की पावर थ्री माइनस आया जैकोबियन इसका जैकोबियन अभी निकाले थे तो माइनस सिक्स ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और इसका जैकोबियन अभी ये आया है माइनस थ्री यू माइनस वी वी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस यू तो ये कितना हो गया माइनस थ्री यू माइनस वी वी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस यू ठीक है माइनस देखिए ये टू टाइम्स हो गया और फाइनली माइनस टू और ये पूरा ये सेम हो गया तो ये आंसर हुआ ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये धन्यवाद